तो भाई देखो, वक्त के साथ जो क्रिकेट में फिटनेस का स्तर था वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। समय के साथ फिटनेस को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। और वहीं सेम टाइम पे एक सच ये भी है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया है तो प्लेयरों के इंजर्ड होने का जो रेट है वो भी बढ़ता गया है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि जैसे जैसे इंजर्ड होने का रेट बढ़ता गया है तो जो रिकवरी रेट भी है वो भी स्लो होता गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में जसप्रीत बुमराह हैं, जिनको ना जाने कितने दिन से लेके कितने हफ्तों से लेके कितने महीने बीत गए, लेकिन बुमराह ये ठान के बैठे हैं कि हम नहीं लौटेंगे तो नहीं लौटेंगे। बीच-बीच में खबरें आती रहती थी कि जो अगली सीरीज होने वाली है इसमें बुमराह आ जाएंगे। कई बार तो बुमराह का टीम में सिलेक्शन भी हो जाता था, लेकिन जैसे ही सीरीज शुरू होने वाली होती थी तब अचानक से एक खबर हमारे सामने आती थी कि बुमराह अभी फिट नहीं हुए हैं, अभी उन्हें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और ये जो थोड़ा सा टाइम होता था ये कब आपका 5 दिन से 10 दिन से 20 दिन से 1 महीने से 2 महीने से 3 महीना हो जाता था किसी को पता ही नहीं चलता था। अभी तो मुझको ये लगता है कि शायद आने वाले वक्त में जो ऋषभ पंत हैं वो बुमराह से पहले आ जाएंगे, लेकिन बुमराह इंडियन टीम में वापसी करते हुए नहीं दिखेंगे। You are right, bro. वहां आप ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन को देखिए, एक दिन पहले बंदा बैसाखी पकड़ के लचक लचक के ड्रेसिंग रूम के अंदर एंट्री कर रहा था और अगले दिन वो उसी टूटे पैर के साथ मैदान में बैटिंग करने के लिए आ जाता है। लेकिन बुमराह भाई का ऐसा है कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। खैर, ये वीडियो जसप्रीत बुमराह के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, वो तो फिटनेस की बात चल रही थी तो उनका नाम मेरे दिमाग में आ गया। ये वीडियो एकदम अलग टॉपिक पे होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो, आपने क्रिकेट के अंदर अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स होते हैं जो पीने पाने के शौकीन होते हैं, मतलब बियर वाइन वगैरह जो भी ड्रिंक्स होती है उनको पीते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, क्योंकि असल में जो कोई भी बोर्ड होता है उसके जो रूल्स भी होते हैं, जो लॉज भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइटर नोट पे ये कहते हैं कि देखो ठीक ठाक अगर पीना वगैरह कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थूकना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पीने से उतना स्टैमिना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई भी सूखे नशे कर रहा है तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि जो भी सूखे नशे होते हैं या फिर कहें स्मोकिंग होती है वो स्टैमिना को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो किसी भी एथलीट को ये सब करना अलाउड नहीं होता है। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी इन हरकतों से एक वक्त पे कह लें या इस वक्त पे भी जो बीसीसीआई है वो काफी ज्यादा परेशान रहा है। कुछ वक्त पहले स्पोर्ट्स विकी के एक आर्टिकल के अनुसार ये बताया गया था कि टीम इंडिया में ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो कि बिना सिगरेट के नहीं रह पाते हैं और उन्हें हर हाल में स्मोकिंग करने की तलब मस्ती है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि ऐसे 3 भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें सिगरेट पीने की एक गंदी आदत है। मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा लाइटर नोट पे लीजिएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला नाम है वो है नन अदर देन हार्दिक पांड्या का। मैं जानता हूं कि ये नाम सुन के आप में से बहुत लोगों को कोई शॉक नहीं लगा होगा या बहुत कोई ताज्जुब नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबको पता है कि हार्दिक पांड्या पहले से ही थोड़े रंगीन मिजाज के रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी बार नुकसान भी झेलना पड़ा है। लेकिन सेम टाइम पे ये भी सच है कि आज के टाइम पे हार्दिक पांड्या पिछले वक्त के कंपैरिजन में काफी मैच्योर दिखाई पड़ते हैं और यही रीजन है कि आने वाले वक्त में उन्हें इंडियन टीम का एक लॉन्ग टर्म कैप्टन भी माना जा रहा है। लेकिन जहां तक बात आती है स्मोकिंग की, तो ऐसा कई बार नोटिस करा गया है कि हार्दिक पांड्या स्मोकिंग करते हुए दिखे हैं। काफी बार क्लबों में उनको हुक्का पीते हुए भी देखा गया है और सबसे ज्यादा जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी जो कि थी MS धोनी की वाइफ साक्षी धोनी की बर्थडे पार्टी से, जिसमें देखा जा रहा था कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो MS धोनी और साक्षी के पीछे छुपके बीच बीच में स्मोकिंग कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो दुनिया के सामने पब्लिसाइज ना हो, लेकिन दुनिया जो है बड़ी ही हरामी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो देख ही लेती है। लेकिन देखो, एक सच ये भी है कि हार्दिक पांड्या को लेके ये जो सारी ही तस्वीरें वायरल होती थी या ये जो वीडियोज वायरल होती थी ये लगभग 2-3 साल पहले हुआ करती थी। जब से हार्दिक पांड्या विवाहित हुए हैं, जब से हार्दिक पांड्या का बेटा हुआ है, जब से हार्दिक पांड्या वापस से फॉर्म में लौटे हैं और जब से हार्दिक पांड्या IPL में और
इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं, ऐसी कोई भी तस्वीर या ऐसी कोई भी वीडियो दुनिया के सामने नहीं आई है। और जैसा मैंने कहा कि वक्त के साथ हमने हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा मैच्योर होते हुए भी देखा है। अब हार्दिक पांड्या के नाम से आगे बढ़े तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो दूसरा नाम हमारे सामने आता है वो है केएल राहुल का। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी अपनी लाइफ स्टाइल को लेके हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। वही बात करें अगर केएल राहुल के सिगरेट पीने की तो केएल राहुल कई बार शराब और हुक्के के साथ क्लब में देखे गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कई बार केएल राहुल को लेके जिक्र होता रहा है कि राहुल भी सिगरेट पीते हैं और उन्हें सिगरेट की बहुत ही बुरी लत है। खैर फिर से मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि जो केएल राहुल भी हैं वो वक्त के साथ अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल आए हैं, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा भी था जब हार्दिक पांड्या के साथ उनका भी इंटरव्यू कॉफी विद करण में काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके चलते उनको एक छोटा मोटा बैन भी झेलना पड़ा था। इवन साल 2016 में केएल राहुल ने वेस्ट इंडीज टूर पे एक ऐसी फोटो पोस्ट कर दी थी जिसके लिए बीसीसीआई ने उनको काफी ज्यादा सुनाया भी था, क्योंकि उस फोटो में जो केएल राहुल थे वो हाथ में शराब पकड़े हुए दिख रहे थे और उनके साथ में बाकी प्लेयर्स भी मौजूद थे। तो बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने केएल राहुल को इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा लताड़ा था, क्योंकि उनका कहना था कि जो क्रिकेटर्स हैं वो काफी ज्यादा यंग लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। तो एक रोल मॉडल के तौर पे अगर आप हाथ में शराब पकड़ के फोटो डालेंगे तो दुनिया के सामने आपकी और इंडियन क्रिकेट की आखिर क्या छवि बनेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में केएल राहुल कुछ ऐसा कमाल करें कि लोगों को कसम से मजा आ जाए। चलें अब अपने तीसरे और आखिरी नाम की तरफ, तो वो है नन अदर देन पृथ्वी शॉ। हाल ही में पृथ्वी शॉ पे ये इल्जाम लगे थे कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ दारू पी के लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद उन पर पुलिस केस भी हुआ था। और वहीं अगर बात करें पृथ्वी शॉ के सिगरेट पीने की, तो जो पृथ्वी शॉ हैं वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और उन्हें कई बार शराब और सिगरेट के साथ देखा गया है, जबकि कुछ फैंस का ये भी मानना है कि पृथ्वी शॉ को सिगरेट पीने की बहुत ही गंदी आदत है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से इंडियन टीम में वो कौन सा प्लेयर होगा जिसको देख के लगता है कि भाई ये बहुत नशे करता होगा, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा लाइटर नोट पे एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।